संत रविदास के संदेश और जीवन मूल्यों के प्रति समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न स्थान से निकाली जा रही समरसता यात्राएं 12 अगस्त को सागर पहुंचेंगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे। बालाघाट से निकली समरसता यात्रा परासिया पहुंची, जहां यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। इसके साथ ही जनसंवाद का कार्यक्रम भी हुआ। सागर में बनने वाले रविदास मंदिर के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों से समरसता यात्राएं निकाली गई हैं। बालाघाट से निकली समरसता यात्रा परासिया पहुंची, जहां यात्रा का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। जनसंवाद के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि हम सब सबसे प्रथम हिंदू हैं, परंतु कांग्रेस सदा ही हिंदुओं को एक होने नहीं देती और वोट बैंक के फायदे के लिए हिंदुओं को जाति में बांटते आई है। इसलिए हम सभी को समझने की जरूरत है कि देश जातियों में बंट रहा है। इसको रोकने के लिए भारतीय संस्कृति को लेकर सामाजिक समरसता यात्रा निकाली जा रही है। इस धर्मांतरण को रोकने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कदम उठाया था और 2014 के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कदम उठाया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।